हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा रिसेंटली हम लोग आए हैं एक ट्रिप करके वापस घर। तो घर ना क्लीनिंग बहुत दिनों से मांग रहा था, बट मैंने सोचा कि आज करती हूँ कल करती हूँ, फिर तभी अचानक से जाने का प्लान बन गया। और फिर कहीं चले जाऊँ उसके बाद आओ तो कपड़ों का क्या ढेर लगता है आप खुद ही देख सकते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं गए थे और बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं ले गए थे, बट फिर भी कुछ पहले के थे और कुछ हम चारों लोगों के अभी हो गए थे। तो बस वही सेपरेट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो इनके अलग, नन्नू के अलग, मम्मी के अलग, ऐसे करके सेपरेट एक बंच सा बना लेती हूँ और अलग अलग वॉश कर देती हूँ। और अगर थोड़े होते हैं तो फिर सबके साथ में ही मिक्स करके मैं धुल लेती हूँ। वैसे मोस्टली ऐसा होता नहीं, इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं, मम्मी और नन्नू हम एक कर लेते हैं, और इनके जो जेंट्स के कपड़े होते हैं ना हैवी हैवी भारी भारी, वो अलग वॉश करती हूँ। मेरी तो यही आदत है, कौन कौन ऐसे करता है कौन नहीं मेरे साथ शेयर करना। तो यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रिप के बाद इतना अच्छा लग रहा है, घर के कामों में भी एकदम डबल मन लग रहा है। काफ़ी दिन के बाद गई थी और काफ़ी दिन के बाद जाऊँ तो फिर अच्छा लगता है। और बहुत दिन तक घर में रहने की वजह से एक ना वही डेली रूटीन करते करते मन एकदम बोर सा हो जाता है और ऐसे लगता है कि कहीं चले जाओ कहीं चले जाओ, और स्पेशली कहीं तीर्थ यात्रा पर जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए खुशी की वजह से मैंने पंखा भी खुद ही साफ़ कर दिए, वैसे मैं इनसे करवाती थी, मजाक कर रही हूँ। यहाँ पर फ़ैन साफ़ करने का कोई झंझट नहीं है, रूम वाला स्पेशली, बेड पे चढ़ो तो मैं फटाफट से साफ़ कर देती हूँ, टाइम भी नहीं लगता और पहुँच भी जाती हूँ आराम से। कहीं ऊंचाई पर होता तो ऑब्वियसली ये करते, जैसे हॉल वाला ये करते हैं, और बेडरूम वाला अक्सर मैं ही कर देती हूँ। तो फ़ैन वगैरह क्लीन किया, उसके बाद आज मैं सोची हूँ ये ड्रेसिंग भी लगे हाथों तो क्लीन कर दूँ। आज मैंने प्रण लिया है कि मैं सारी सफाई कर दूँगी जो इतने दिन से मैं सोच रही थी, बट ना मैं आलसी कर जाती थी ऐसे सोचो आप, क्योंकि डेली के इतने काम हो जाते थे, नन्नू को स्कूल भेजना, इनको ऑफिस भेजना, घर के नॉर्मल काम, तो मुझे ना ये करने की एकदम से इस काम को करने में आलस सा आ रहा था। बट अब क्या है, माइंड एकदम फ्रेश है, इतना अच्छा लग रहा है घर पर भी वापस आने के बाद, तो मैंने कहा चलो फटाफट डीप क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। और यहाँ पर नन्नू टीवी देख रही है और उसके बाद मैं ड्रेसिंग को क्लीन करूँगी। टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, बट फिर भी जब चीज़ें यूज़ होती हैं घर में, बच्चे वगैरह हो ये हो, तो फिर दिक्कत हो जाती है, जमावड़ा सा फैलावा सा फैल जाता है, और ना चाहते हुए भी धीरे धीरे कब मैसी हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो अब मैं प्रॉपर इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। वैसे तो ऊपर ऊपर मैं इतना डेली करती हूँ डस्टिंग वगैरह, बट सारा सामान हटा के उसके बाद प्रॉपर इनको साफ़ करके अरेंज करूँगी, और जो फालतू का होगा अभी देखना आप क्या है कितना सामान निकलेगा उसको मैं हटा ही दूँगी। एक एक ड्रॉर में धीरे धीरे करके कब ऐसे ये हालत हो जाती है पता भी नहीं चलता है। आप पहले की हालत देख सकते हैं और अभी की हालत देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ड्रॉर मैंने क्लीन कर दिया, और इसी तरीके से मैं सारे ड्रेसिंग के ड्रॉर में क्लीन कर दूँगी। और एक नॉब ना इसकी हट गई है तो उसको मुझे अभी लगवाना है, तो इतने ज़रा से काम के लिए क्या ही कारपेंटर को मैं बुलाऊँगी। तो फिर अब देखती हूँ, कभी खुद से ही लगा पाऊँगी तो लगा दूँगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे टूटी फूटी आधी अधूरी चीज़ें, मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नन्नू का जो क्लिप वाला ये बॉक्स है, ये भी मैंने काफ़ी अच्छे से अरेंज किया। इस बॉक्स में मुझे बहुत आराम रहता है, नन्नू की सारी चीज़ें एक जगह पे ऑर्गेनाइज रहती हैं, रबर बैंड क्लचर्स छोटे छोटे जो हो जाते हैं बच्चों के, चोटर पोटरियाँ बहुत हो जाती है, तो वो सब एक ही साथ में रख देती हूँ और ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। मेरा मानना पता है क्या, मुझे सफ़ाई इतनी ज़्यादा पसंद है, मुझे ये लगता है कि घर छोटा हो बड़ा हो ये मायने नहीं रखता है, हम उसको किस तरह से रखते हैं, कितनी उसमें साफ़ सफाई रखते हैं, कितना उसको ऑर्गेनाइज रखते हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि ये कि हाँ हम बहुत बड़े घर में रहते हैं या फिर हम बहुत छोटे घर में रहते हैं। मेंटेनेंस हर घर मांगता है, सफाई हर घर मांगता है, और एक पॉजिटिविटी सफाई करने के बाद ही आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना एक्स्ट्रा फालतू सामान था, कुछ चीज़ें एक्सपायर हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो गई थी, कुछ खाली बॉटल्स थी, वो सारा कुछ हटा करके मैंने यहाँ पर इस वाले जो रूम में है वो झाड़ू लगा दी है। मैंने कहा बहुत बड़ा बड़ा कूड़ा है ना, तो मैं इसको अभी मतलब पूरे घर में नहीं लगाऊंगी, इसको एक साइड कर देती हूँ, क्योंकि नन्नू वगैरह अंदर आएगी ना तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, पैर वैर में कुछ चुभ वगैरह ना जाए किसी के, तो इस वजह से मैंने झाड़ू लगा करके सारा कूड़ा एक कॉर्नर में कर दिया। और उसके बाद अभी मैं आज ही के आज में किचन भी क्लीन कर दूँगी, पूरी किचन की भी मैं डीप क्लीनिंग करूँगी।
तो आज जो काम है वो पूरा घर में मैं फिनिश करके ही मानने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एक ये स्पाइस रैक, ये स्टेनलेस स्टील का है। मैं इस तरीके का बहुत दिनों से लेना चाह रही थी, बट मुझे ना मिल नहीं रहा था कहीं पर, तो फिर मैंने ये ऑनलाइन मंगवा लिया था। ये आप पूछो उससे पहले मैं बता दूँ, ये मैंने मीशो से ही मंगवा लिया था, तो इतना अच्छा निकला है और मेरे मतलब का निकला है। तो मैंने उसमें स्पाइस, जो मेरे सारे मसाले हैं वो रख दिए हैं, और किचन क्लीन करने के बाद इतना जो कूड़ा है और एक्स्ट्रा बॉटल्स कबाड़ लबाड़ जो भी है वो निकला है, वो हटाया एक्स्ट्रा सामान। और यहाँ पर अब मैं आपको पूरा किचन का लुक दे रही हूँ फाइनली सफाई करने के बाद। मैंने फटाफट सफाई की है बिना मतलब वीडियो बनाए, क्योंकि वीडियो बनाओ तो फिर एंगल चेंज करो, कैमरा सेटअप करो, उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। बट आज मुझे बहुत सारे काम करने थे एक साथ, तो मैंने कहा फटाफट से करती हूँ और आप लोगों के साथ सीधा लुक शेयर करूँगी। तो सारी चीज़ें बहुत गंदी हो गई थी, यहाँ पर भी बहुत मैस हो गया था। तो ये किया, किचन काउंटर टॉप किया, और जो ऊपर वाले मतलब सिलेंडर का जो एरिया होता है वो किया, बर्तनों का एरिया किया, नीचे वाला सारा एरिया किया, काउंटर टॉप किया, और जिसमें डब्बे वगैरह रखे रहते हैं वो दो ड्रॉर किए। आरओ वाला और वो जो ऊपर चार रैक बनी है वो मैंने क्लीन नहीं किया है, क्योंकि मुझे उनमें अभी ज़रूरत नहीं लगी, कुछ दिन पहले किए थे तो वो साफ़ लग रहे थे। तो ऐसे आधी आधी करते रहो तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और फिर किसी दिन आधी किचन कर लो, किसी दिन आधी किचन कर लो, तो इस तरीके से ठीक रहता है। और मेन चीज़ यही यूज़ में आती हैं, तो फिर इन्हीं को ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। और ये वाला ना कंटेनर का कोई मुझसे कटोरे का येलो वाले का कोई लिंक मांग रहा था, तो आई एम रियली सॉरी, मैं भूल ही गई हूँ कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया था। जहाँ से ब्लॉगिंग शुरू की थी ना उस टाइम किया था, तो मैं भूल गई हूँ, अदरवाइज मैं ज़रूर दे देती आपको। तो मैंने कहा आज मैं शेयर कर देती हूँ। और इस तरीके से पूरा काउंटर टॉप टाइल्स वगैरह खूब मैंने एकदम रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिए हैं जूने से, और सारा कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। तो किचन भी मेरी क्लीन हो चुकी है, अब मैं हॉल को क्लीन करूँगी। अब फुर्सत हो पाई हूँ, पीछे आप वो देख सकते हैं, दिन दिन छुप गया है, शाम हो गई है। जस्ट अभी मैं फुर्सत हुई हूँ, बाथरूम साफ करके नहा करके आई हूँ। अब मैं लूँगी चैन की सांस, तो थोड़ा सा सोचा आपसे बात कर लूँ। हालांकि हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की, बट मैंने कहा नहीं, बहुत देर से बात नहीं की है, थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, बहुत बहुत काम हो गया। मैंने कसम खाई थी मैं फटाफट से पहले सारा काम जो है निपटाऊँगी फटाफट से, उसके बाद कुछ और काम करूँगी, क्योंकि जब ज़्यादा काम हो जाता है ना, ये मेरी ऐसी हो गई दिवाली होली वाली क्लीनिंग हो गई, इतनी डीप क्लीनिंग हो जाएगी मैंने खुद नहीं सोचा था। क्योंकि जब काम करते रहो तो काम में से काम निकलता है और फिर चैन नहीं पड़ता है, ऐसे लगता कर ही रहे तो चलो इतना और कर दें, कर ही रहे तो चलो ये और कर दें, तो ये करते करते मतलब वो पूरा ही हो जाता है। तो मेरी किचन पूरी क्लीन हो गई है, हॉल पूरा क्लीन हो गया है, सारी जगह की डस्टिंग हो गई है, बाहर वाला बेसिन उसको ऑर्गेनाइज करना था वो भी कर दिया है, बाहर से भी साफ कर दिया है, बाहर का एरिया साफ हो गया है, बाइक जा रही इग्नोर करना। मेन डोर है वो क्लीन हो गया है, उसमें बहुत धूल जम रही थी क्योंकि बीच में आंधी भी आई थी जब हम लोग हरिद्वार में थे, तो यहाँ पर लोगों ने बताया कि आंधी भी आई थी। पूरा सब बाहर का क्लीन कर दिया है, बाहर का क्लीन करने के बाद कुछ सामान बेड में रखना था वो बेड में रख दिया है, सारे कपड़े कपड़े सारे नहीं, अभी भी एक दो लॉट बचे हैं वो बाद में धुलूंगी, वो करके सुखा करके, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर माइंड में ज़्यादा टेंशन रहती, कम होते तो एक बार डाल दो सूखते रहेंगे कोई टेंशन नहीं, फिर उनको निकालो पलटो दूसरा लॉट लगाओ, ये सारा कुछ करने में काफ़ी टाइम निकल जाता है। बस मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट काम रह गया है, वो है बेडशीट बिछाना, बस और कुछ नहीं रह गया है, वो बिछाऊंगी मैं तसल्ली से, थोड़े बहुत कपड़ों में हवा लग जाए ना। तो अभी ना एकदम घबराहट सी हो गई, पूरा दिन से काम 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 करते करते अब मुझे थोड़ा सा एसी की ज़रूरत लगी, तो मैंने कहा चलो चला लेती हूँ, यहीं पर आप लोगों से तसल्ली से बात कर लेती हूँ। बैंड बज गई थी घर की, सच में मेरे को ये रहता मेरी बैंड बजा काम करते करते, बट घर एकदम नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज रहे। वैसे भी छोटू सा है तो उसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, कहने को है सिर्फ कि छोटा घर है कम काम है, काम ही क्या है छोटे से घर में, है ना। बट सच में ये लोग, आप ये बात आप लोग भी एग्री करोगे कि छोटे घर में तो बड़े घर से भी ज़्यादा काम होता है, बड़े घर को तो एक बार सेट कर दिया वो रहता है, बट छोटे घर को सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बार बार सेट करना पड़ता है ना, जब घर में बच्चे वगैरह हों ये सारी चीज़ें। वैसे अकेले हो तो शायद इतना ना भी करना पड़े, बट नन्नू आती है स्कूल से वो पूरा फैलावा फैला देती है, और फिर ट्यूशन से आती है, फिर उसकी बुक्स रखो समेटो, उसके अलमीरा सेट करते रहो, इनके ये कपड़े निकालते हैं एकदम बिखेर करके डाल देते हैं अलमारी में, वो सेट करते रहो सारी चीज़ें। मुझे थोड़ी सी अलमारी और सेट करनी रहेगी, बट मैंने कहा भैया आज तो मेरी जान चली जाएगी, मैंने सारा किचन चमकाई है, पूरा घर चमकाया, अब अलमीरा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने को रह गई है, वो मैं कल वल देखूंगी। तो मैंने फाइनली हरिद्वार से आकर के इतनी सारी क्लीनिंग करी, वो टॉवेल है वो धुली हुई, आंधी आई थी ना तो फिर वहीं पर मैंने फैला दी थी,
इस वजह से आपको दिख रही होगी। मैंने थोड़ा सा रूम बंद करके चैन की सांस लेनी चाहिए। अब मुझे आज, मतलब मैंने ऐसा तो याद नहीं आ रहा, जब से विंटर्स गई हैं तब से टी एकदम अवॉइड कर दी, छोड़ दी, मुझे कुछ खास वो नहीं है। बट अब जब सर भारी हो रहा है ना इतना काम करने के बाद, सुबह से लेके रात होने को आई है, मतलब रात क्या, रात ही समझ लो, शाम हो गई एकदम। मोबाइल में तो बड़ा ब्राइट ब्राइट लग रहा है, हल्का सा पीछे बादल, बट हल्का सा अंधेरा हो गया है बाहर, मोबाइल में हल्का सा वाइट वाइट आ रहा है करके। मैंने सोचा था एक मशीन कपड़े और लगा दूंगी, बट वो आंधी की वजह से रह गई, बट अब मैं लगा दूंगी और रात में डाल दूंगी। मुझे डर लग रहा था कहीं रात में आंधी आ गई तो मैं क्या करूंगी, कमर टूट गई मेरी यही सब करते करते। फटाफट से मैंने कुछ भी नहीं दिखाया है, फटाफट से मैंने सारे काम को निपटाया। मैंने कहा इतना कर लेती हूँ, फिर डेली के काम वो तो है ही हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा काम पड़ जाते हैं ना वो ज़्यादा बर्डन आ जाता है ऊपर से। फिर घर बहुत मेरी क्लीनिंग मांग रहा है, अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है 50% क्लीन है, बट वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और थकावट कितनी भी हो जाए, मेरे नेल्स भी टूट जाते हैं काम करते वक्त, चोटें भी मेरे बहुत लगती है, मैं एकदम खुट पुट, कहीं हाथ लगता है कहीं पैर लगता है, सारी चीज़ें बहुत होती हैं मेरे साथ, कहीं मैं इधर टच हो जाती हूँ कहीं उधर, तो मेरे चोट भी लगती रहती है। बट दर्द चाहे कितना भी, बट जब आप ऐसे नीट एंड क्लीन घर को देखते हैं, साफ़ सुथरे को, तो बहुत सुकून मिलता है। किचन में जा रही हूँ, ऐसे लग रहा है ब्रांड न्यू किचन है, अभी बन करके तैयार हुई, इतनी चमक सी गई है, हाथ कंधा सब दुखा जा रहा है, बट कोई बात नहीं, घर चमकना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और मेरी आदत ये है कि जैसे मैंने कोई काम लिया है तो मैं बीच में रेस्ट नहीं करती हूँ, बीच में रेस्ट करती हूँ तो मेरा बॉडी ना एक ठहराव सा आ जाता है। वैसे कहते हैं रेस्ट कर करके काम करना चाहिए, बट मेरे साथ उल्टा है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब लोग ऐसे करते हो, बट मैं एक साथ करती हूँ, बाई चांस बैठ लूँ 2-3 मिनट के लिए, बट इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर मुझे ठहराव आ जाता है, बॉडी में आलस आ जाता है, बैठे बैठे नींद आने लगती है, और फिर जब उठते हैं तो एकदम कमर में, पैर में, हाथों में दुखन सी होती है। और जब मैं करती रहती हूँ कॉन्टिन्यूस तो मेरे बॉडी में कुछ भी नहीं होगा, मतलब दर्द होगा बट इतना नहीं होगा। फिर अगर मैं करके बैठ गई 10-15 मिनट, कह नहीं रेस्ट कर लो, रेस्ट करके कर लो जैसे होता है ना, तो अगर मैं बैठ गई फिर मेरा उठना इम्पॉसिबल हो जाता है, मेरी कमर अकड़ जाती है, पीठ अकड़ जाती है, सब ऐसे हो जाता है। तो इस वजह से, और मैं जब काम शुरू करती हूँ तो फिर मैं उसको फिनिश करके ही छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बैठ गई, जैसे अभी मैं बैठ गई हूँ, तो अब मुझे उठाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट चलो कोई बात नहीं, सारा काम हो ही चुका है, अब कोई इतनी टेंशन नहीं है। तो मैं जाऊंगी फटाफट से सुकून वाली एक चाय पीऊंगी, हालांकि मैं चाय लवर नहीं हूँ इतनी। तो चलिए चलते हैं अपनी साफ सुथरी चमकीली सी किचन में। यार देखो, मेरा मानना ये, घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बट वो कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, कितना उसमें शाइन है, और एक जो घर होता है ना उसकी पॉजिटिविटी उसको देख करके ही पता चल जाती है, दूर से ही, इनफैक्ट वीडियोस में ही देख करके पता चल जाती है। कोई कोई घर इतने ज़्यादा निगेटिव से लगते हैं, और कोई कोई घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। साफ़ सफाई से बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, और मुझे अपने मन में बहुत अच्छा लगता रहता है, एकदम ऐसे लगता है कोई त्यौहार है क्या, कुछ फंक्शन है क्या, कुछ घर में पूजा पाठ है क्या, एकदम। और घर की दीवारें लगता थोड़ी खिसक गई हैं, घर बड़ा सा हो गया है, क्योंकि जो बहुत सारा कबाड़ खाना सा भर जाता है ना चाहते हुए भी, छोटे मोटे डिब्बा डिब्बी सब हटा देती हूँ मैं। आज भी मैंने वही किया, मैंने सब हटा दिए, तो इतना अच्छा, इतना रिलैक्स फील हो रहा है, माइंड में बहुत हल्कापन फील हो रहा है। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वरना कुछ लोग मुझे ये कमेंट करने लगते हैं कि क्या खेले तुम ही सफाई करती हो, हम लोग क्या गंदगी से रहते हैं। तो बस मैं उन लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगी, मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला है कि आप लोग बहुत गंदे से रहते हो, मैं अकेले सफाई से रहती हूँ। मैंने अपनी फीलिंग शेयर की। अब जैसे मेरे हाथ में मोबाइल है, कैमरा जो भी है वो पकड़ करके मैं बात कर रही हूँ, तो मैं अपनी ही बताऊँगी ना फीलिंग, किसी और की तो नहीं, पड़ोसियों की तो बताऊँगी नहीं, है ना। तो मैं अपना शेयर करती हूँ, ये नहीं कि मैं आप लोगों को निगलेक्ट करती हूँ, बाहर कोई आया है देखती हूँ कौन आया है, तो बस ये चीज़ हो जाती है, मैं अपनी चीज़ बताती हूँ। जैसे सपोज़ दैट मैंने आपसे बोला कि मुझे मठे के आलू बहुत पसंद है, तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मठे के आलू सिर्फ मुझे ही पसंद है, बाकी आप लोगों को किसी को नहीं पसंद है और ना ही पसंद आने चाहिए। तो ये दो बातों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। आई रियली होप कि आप मेरी इस बात को समझेंगे। हर बार मुझे कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, क्या तुम ये सफाई रखती हो, हम तो जैसे बहुत गंदगी में रहते, तुम तो ऐसे करती हो। बट यार मैं अपना शेयर करती हूँ, मैं किसी और का नहीं शेयर करती हूँ। ये दोनों बातों में बहुत अंतर है, प्लीज़ इस अंतर को समझिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी बात रखिए कमेंट बॉक्स में। हालाँकि आप की मर्जी, आप जो चाहे बोल सकते हैं, बट मैं तो इतना ही कहूँगी, मुझे सफाई कितनी पसंद है, किस हद तक पसंद है, किस लेवल तक पसंद है, वो बस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारी दुनिया या जो ऐसे मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं वो लोग
मुझसे भी ज़्यादा सफाई वाले लोग पड़े हैं यार, मुझसे भी ज़्यादा लिटरली। तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, तो आप प्लीज़ ऐसा मत सोचा करो कि मैं आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ जो कमेंट करते हैं कि मैं क्या बहुत गंदगी से रहती हूँ, ऐसे लगता है हम बहुत गंदगी से रहते हैं। कमेंट मेरे पास ना बहुत महीनों से आ रहे थे, कुछ ही आते हैं बट बहुत महीनों से आ रहे थे, बट आज बात में बात याद आ गई तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। ऐसा नहीं है डियर, मैं सिर्फ अपना शेयर करती हूँ, आपका नहीं बताती हूँ कि आपको आई नो पसंद है, सभी को पसंद है, किसको पसंद नहीं होगा, बट कुछ मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं सफाई पसंद करते हो, नहीं उतनी सफाई से रहते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते किचन में, देखते हैं बाहर कौन आया है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर ना एक दीदी आ गई थी मिलने के लिए, तो फिर जब वो गई हैं तो मैंने सोचा चलो अब मैं फटाफट अपना चाय बना करके पी लेती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कोई बैठे रहे और आप बना करके चाय पी लो। तो इस वजह से अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। मेरी हालत बहुत टूट रही है, हाथ पैर कमर मतलब सब टूट गई काम करते करते, क्योंकि मैंने वही बात ना बताई थी, ठहराव सा आ जाता है थोड़ी देर बैठ जाओ तो फिर चल। मम्मी ने बोला था कि मैं बना देती हूँ, बट मम्मी की ना आजकल तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, वो काफ़ी दिन से मतलब क्या ही बोलूँ बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो काफ़ी दिन हो गए हैं उनको, उनका ब्लड टेस्ट तो मैंने करवाया था बट उसमें कुछ निकला नहीं है, बट फिर भी अब देखती हूँ कि मैं उनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाई देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत लापरवाह है, मैं उनको बोलती रहती हूँ तो फिर वो जाती नहीं है डॉक्टर के पास। मम्मी लोगों का यही रहता है ना, ज़्यादातर वो हॉस्पिटल से और डॉक्टर से बचने की ही कोशिश करती रहती हैं। तो किस किस की मम्मी ऐसे करती है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। उन्हें ना दवाइयों का शौक़ है ना हॉस्पिटल जाने का शौक़ है, बट कहते हैं ना मजबूरी में करना ही पड़ता है। तो फिर अब सोची उन्हें डॉक्टर को दिखा दूँगी, तो वो कर रही हैं रेस्ट। तो मैंने उनसे पूछा, उन्हें चाय पीनी नहीं थी तो फिर मैंने अपने लिए बनाई और रस वगैरह ले ली और थोड़ी सी मेरी फेवरेट, बचपन से ही मैं ये खाती हूँ, गठिया वाली दाल मोठ, किसको पसंद है बताना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये लिया, मैं चाय पीऊँगी फिर करूँगी डिनर की तैयारी। तो इस वाले ब्लॉग को चलिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नए नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।